दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। टांगीनाथ धाम झारखंड राज्य से गुमला शहर से करीब 75 किलोमीटर दूर और रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच स्थित है। यह जगह अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आती है। इस जगह का परशुराम से गहरा नाता है। यहाँ पर आज भी भगवान परशुराम का कुल्हाड़ जमीन में गड़ा हुआ है। झारखंड में कुल्हाड़ को टांगी कहा जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम टांगीनाथ धाम पड़ गया। इस धाम में आज भी भगवान परशुराम के पद के निशान मौजूद हैं। टांगीनाथ धाम में भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम ने घोर तपस्या की थी। परशुराम टांगीनाथ कैसे पहुंचे, इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। जब राम राजा जनक द्वारा सीता के लिए आयोजित स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम बहुत क्रोधित होते हुए वहां पहुंचते हैं और राम को शिव का धनुष तोड़ने के लिए बुरा भला कहते हैं। सब कुछ सुनकर भी राम शांत रहते हैं, लेकिन ये देखकर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है और वह परशुराम से बहस करने लग जाते हैं। इसी बहस के दौरान जब परशुराम को इस बात का पता चलता है कि राम जी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तो वह बहुत शर्मिंदा होते हैं और वहां से निकलकर पश्चाताप करने के लिए घने जंगलों के बीच चले जाते हैं। यहाँ वह भगवान शिव की स्थापना करके और बगल में अपना कुल्हाड़ गाड़ कर तपस्या करते हैं। यही जगह आज का टांगीनाथ धाम है। यहाँ पर गड़े लोहे के कुल्हाड़ की एक विशेषता ये है कि हजारों सालों से खुले में रहने के बावजूद इस पर जंग नहीं लगा है, और दूसरी विशेषता ये है कि ये जमीन के नीचे कहाँ तक गड़ा है, इसकी भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अनुमान लगाया जाता है कि ये कुल्हाड़ 17 फीट तक गड़ा हुआ है। एक बार इस क्षेत्र में रहने वाली लोहार जाति के कुछ लोगों ने लोहा प्राप्त करने के लिए इस कुल्हाड़ को काटने का प्रयास किया। वह लोग कुल्हाड़ को तो काट नहीं सके, लेकिन उनकी जाति के लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी और वह अपने आप को मारने लगे। इससे डर के लोहार जाति ने वो क्षेत्र हमेशा के लिए छोड़ दिया और आज भी धाम से 15 किलोमीटर के दायरे में लोहार जाति के लोग नहीं बसते हैं। कुछ लोग टांगीनाथ धाम में गड़े कुल्हाड़ को भगवान शिव का त्रिशूल बताते हुए उसका संबंध शिव जी से जोड़ते हैं। इसके लिए वह पुराणों की एक कथा का उल्लेख करते हैं, जिसके अनुसार भगवान शिव किसी बात से शनि देव पर क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में वह अपने त्रिशूल से शनि देव पर हमला कर देते हैं। शनि देव त्रिशूल के हमले से किसी तरह अपने आप को बचा लेते हैं। शिव जी का फेंका हुआ त्रिशूल एक पर्वत की चोटी पर जाकर धंस जाता है। वह धंसा हुआ त्रिशूल आज भी वहीं पड़ा है, क्योंकि टांगीनाथ धाम में गड़े हुए कुल्हाड़ की ऊपरी आकृति काफी हद तक त्रिशूल से मिलती है, इसलिए इसे शिव जी का त्रिशूल भी माना जाता है। हम अपनी ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों के प्रति कितने लापरवाह हैं, टांगीनाथ धाम इस बात का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में प्राचीन शिवलिंग और मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं, लेकिन इनकी देखरेख और सुरक्षा का यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं किया गया है। इनकी ऐसी स्थिति देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक कितनी पुरा संपदा गलत हाथों में जा चुकी होगी। साल 1999 में पुरातत्व विभाग ने टांगीनाथ धाम में खुदाई की थी। खुदाई में उन्हें सोने चांदी के गहने सहित कई कीमती वस्तुएं मिली थीं, लेकिन कुछ कारणों से यहां पर खुदाई बंद कर दी गई और बाद में कभी यहां पर खुदाई नहीं की गई। खुदाई करने पर हीरे का मुकुट, चांदी का आधा सिक्का, सोने का कड़ा, कान की सोने की बाली और तांबे का बना टिफिन जैसी चीजें मिली थीं। ये सब चीजें
आज भी डुमरी थाना के मालखाना में रखी है। अब संदेह में डालने वाली और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि जब वहां से इतनी कीमती चीजें मिल रही थी तो आखिर क्यों वहां पर खुदाई बंद कर दी गई। हो सकता है कि वहां पर और खुदाई की जाती या आज भी की जाए तो हमें टांगी नाथ के बारे में कुछ नई जानकारी प्राप्त हो सकेगी। टांगीनाथ धाम के विशाल क्षेत्र में फैले हुए अनगिनत अवशेष ये बताने के लिए काफी हैं कि ये क्षेत्र किसी जमाने में हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा होगा, लेकिन किसी अज्ञात कारण से ये क्षेत्र खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन अब लगता है कि इस धाम की कुछ दशा सुधरने वाली है, क्योंकि धाम के सुंदरीकरण के लिए झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग ने गुमला जिला प्रशासन को 43 लाख रुपए दिए हैं। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट mysteriousnightsindia.blogspot.com पर विजिट भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।